आई थिंक एक अच्छा लीडर की खासियत क्या होती है कि लीडर को कभी बनाया नहीं जा सकता। आप किसको कितनी नॉलेज दोगे, कितना समझाओगे एक कैप्टन बनाने के लिए, लेकिन ये कैप्टन जो खुद चाहे घर में डिसीजन लेता होगा जब छोटा होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा विराट कोहली, वो हर स्टेज पर कैप्टन रह जाए अपनी एकेडमी के, स्कूल की टीम के, अंडर 19 के, फिर अंडर 19 इंडिया के, और उसके बाद रणजी ट्रॉफी के और फिर इंडियन टीम के। मेरा मानना है कि लीडर पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है लीडर के लिए कि उस वो अपने टीम के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरीके से करे और ऑनेस्टी के साथ करे, क्योंकि अगर एक लीडर कम्युनिकेट बेटर करता है अपने अपने क्लीग्स के साथ तो वो बेटर रिजल्ट दे सकते हैं उसके क्लीग, और उसके क्लीग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लीडर को भी ट्रस्ट करना चाहिए और हमेशा अपनी ऑनेस्ट राय देनी चाहिए अपने क्लीग्स को या अपने दोस्तों को। अच्छा लीडर वो होता है जिसको ये मालूम होता है कि उसकी टीम में जो खिलाड़ी है किसको कैसे मोटिवेट किया जाता है, किसी को प्यार से, किसी को गुस्सा करके, किसी को कुछ अचीव करा के, किसी को कुछ बता के। और ये शायद खूबियां थी सौरव गांगुली में, क्योंकि मुझे याद है जब वो हमारे रूम में आते थे तो हमें यही कहते थे कि तुम चिंता मत करो, अगले 2-3 सीरीज तक तुम पक्के हो, तुम जाओ और अपना गेम खेलो। शायद वो किसी और के रूम में जाते होंगे, राहुल द्रविड़ या सचिन के, तो उनसे अलग बातें करते होंगे। आई थिंक लीडर अपने एक्शंस दिखाना पसंद करते हैं बजाय ज़्यादा बात करने के या कुछ और करने के, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर एक कप्तान या एक लीडर अगर अपने रन बनाता है या विकटे लेता है और वो एक एग्जांपल बनता है तो शायद दूसरों को मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है और वो उसको फॉलो करते हैं। कि एक एग्जांपल है सौरव गांगुली, हम लोग पहला मैच खेल रहे थे ब्रिस्बेन में, हम लोग शायद 4-5 आउट हो गए थे तो उन्होंने एक शतक बनाया 145 ब्रिस्बेन में, और लगभग हारी हुई सिचुएशन को अपने एक्शन से उन्होंने ड्रॉ में बदल दिया। तो उसके बाद अगले मैच में राहुल द्रविड ने दोहरा शतक बनाया, अगले मैच में मैंने 195 बनाए, फिर आखिरी मैच में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक बनाया। तो शायद उस सौरव गांगुली की इनिंग से हम लोग मोटिवेट हुए और सब लोगों ने बड़ी बड़ी इनिंगें खेली। तो एक लीडर के एक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बजाय कि उसके लेक्चर्स। और कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर एक लीडर अगर सबसे पहले कुछ करे और उसके बाद के जो आने वाले खिलाड़ी हैं अगर वो उसको देखते हैं तो शायद वो उसको फॉलो करते हैं।